दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे, जैसा कि मैं रोज आपसे पूछा करता हूँ। पहला था द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक बुक किसने लिखी है, तो इसे लिखा है हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने। बुक्स एंड अर्थर पर दोस्तों मैंने आपको वीडियो दी हुई है रिसेंट में, उसमें 2020 से अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और लेखकों के बारे में दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग वीडियो वो। अगला, अफ्रीका महाद्वीप में पोलियो मुक्त होने वाला आखिरी देश कौन बना, तो नाइजीरिया दोस्तों आखिरी देश था जहां पर पोलियो के केसेस थे, लेकिन पिछले 4 साल से कोई केसेस नहीं आया, इस वजह से पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में सुधा पेनुली जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए दोस्तों 47th बेस्ट टीचर्स की लिस्ट तैयार की गई थी, रिकमेंड की गई थी, उनमें ये भी थी सुधा पेनुली, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। क्यों? सुधा पेनुली ने दोस्तों एकलव्य मॉडल आधारित आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। किस मॉडल पर? एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है, तो इसी वजह से इनको दिया जा रहा है इसमें इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। क्लियर? अच्छा, ये तो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, और आज 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहीं से हम लोग लिंक कर लेते हैं, आज दिया जाएगा, इस पर मैंने आपको सेपरेट वीडियो दे दी है ऑलरेडी, आप लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं किसे किसे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता, तो दोस्तों 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है मैरी के लुकास रिजेन वेल्ड ने। ये डच लेखिका हैं, क्या हैं? डच की लेखिका हैं ये मैरी के लुकास रिजेन वेल्ड, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है दोस्तों, ये दिया जाता है पुस्तक लिखने के बदले में, ठीक है, पुस्तक लेखन में दिया जाता है। तो इनको इनके पहले उपन्यास के लिए, इन्होंने जो इनका पहला उपन्यास लिखा था, पहला नॉवेल लिखा था द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इस पुस्तक के लिए, इस उपन्यास के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ओके, एक और पॉइंट, इनकी उम्र है दोस्तों 29 वर्ष, और 29 वर्षों की उम्र में ये अवार्ड ये पा रही हैं। अब इस अवार्ड को यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई हैं इसी के साथ में, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, सरकार ने DRDO चार्टर को पुनः परिभाषित करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया, तो अभी हाल ही में सरकार ने DRDO चार्टर को रीडिफाइन करने के लिए दोस्तों 5 सदस्यीय एक टीम का, एक कमेटी का गठन किया है। अब इसमें होगा ये कि अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, और इन फ्यूचर भविष्य में डिफेंस और वार के क्षेत्र में, डिफेंस और रक्षा और युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध जैसी सिचुएशंस में DRDO क्या क्या अपनी भूमिका निभा सकता है, ठीक है, DRDO किस प्रकार से सेना की, भारत की हेल्प कर सकता है, इसी भूमिका को डिफाइन करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए एक 5 सदस्यों का एक टीम डिसाइड किया गया, गठित किया गया है, जिसे हम लोग 5 सदस्यीय कमेटी कह रहे हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वी राम गोपाल राव जी दोस्तों IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं। अब ये जो कमेटी होगी दोस्तों, अभी DRDO में 52 वर्तमान में लैब्स हैं, तो ये कमेटी जो होगी वो इन सभी 52 लैब्स को, उनके काम क्या क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे, इस चीज़ को भी रीडिफाइन करेगी। क्लियर है? इसका मेन पर्पज़ क्या है? सबसे मेन पर्पज़ यही है कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो सेना के लिए आयात किए जाते हैं, इम्पोर्टेशन किए जाते हैं, उस आयात की निर्भरता को कम किया जा सके, ठीक है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, डिफेंस के सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो सके,
क्लियर। चलिए डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अब 1 जनवरी को हुई थी स्थापना, इस वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में NCPUL ने कहाँ पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में NCPUL ने नई दिल्ली में दोस्तों विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित किया। ये विश्व उर्दू सम्मेलन 2 दिवसीय था, यानी कि 2 दिनों तक चला। इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया। ठीक है, NCPUL क्या है? NCPUL का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। क्या? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसी के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 2 दिवसीय था। अच्छा, अब इस सम्मेलन में दोस्तों जो इतिहास में महान उर्दू के कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके नामों पर अवार्ड भी दिए जाएंगे। जैसे आमिर खुसरो जी हो गए, मिर्ज़ा गालिब, आगा हसर, राम बाबू सक्सेना और दया शंकर नसीम जैसे लोगों पर, लेखकों पर, कवियों पर, लोगों को जो अभी वर्तमान में लेखक हैं उर्दू के और उर्दू के से संबंधित हस्तियाँ हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, उर्दू कवियों से याद आया, अभी एक फेमस उर्दू कवि थे राहत इंदौरी जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित हुई? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की 5वीं समिट वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग का मेन पर्पज़ था कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, आने वाली 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाया जा सके, इन सहयोग पर बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें हमारी तरफ से, यानी हमारे भारत की तरफ से, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जो हैं सोम प्रकाश जी, वो इस बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं ये। चलिए, ब्रिक्स आया है तो ब्रिक्स के बारे में ही हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और पहला सम्मेलन इसका आयोजित हुआ 2009 में, रशिया में आयोजित हुआ था। हालांकि तब केवल 4 देश ही इसमें थे ब्रिक्स के, कौन कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों संघाई में, चाइना में। अच्छा, ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार कौन सा था? इस बार 12वां सम्मेलन था दोस्तों 2020 का। कहाँ पर होना था? रसिया में होना था, अभी होना था जुलाई मंथ में ही, 21 से 23 जुलाई को होना था, जुलाई में ही रसिया में 2020 का 12वां ब्रिक्स का समिट, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 दोस्तों ये पोस्टपोन कर दिया गया है। 13वें समिट की बात करें, यानी अगली संस्करण की, तो 13वां संस्करण जो है वो भारत में होना है, 13वां सम्मेलन ब्रिक्स का, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, किस सेना प्रमुख द्वारा लिखी गई पुस्तक नेशनल सिक्योरिटीज चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक बुक का विमोचन हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने ये बुक लिखी है, नेशनल सिक्योरिटीज चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, इस बुक का विमोचन किया गया है। ये बुक को पब्लिश किया है सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, या इसे शॉर्ट फॉर्म में क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये पब्लिश की गई है। ये बुक दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से लेकर के डॉक्टरेट तक के कैंडिडेट सभी के लिए है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने ये पुस्तक लिखी है। अब दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि 2020 से अभी तक जितने भी पुस्तकें और लेखक आए हुए हैं उन सभी पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने आपको कवर करके दिया हुआ है सारा चीज़ें। तो सभी पुस्तकें और लेखकों के नाम आप लोग देख लीजिए, 2 वीडियो, आपका पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अब तो दोस्तों ऐप में एक नया फीचर भी ऐड हुआ है। कौन सा फीचर? आप लोग ऐप में अब वीडियो देखोगे तो नीचे आपको एक लिस्ट आएगी बन करके रिकमेंडेशन की, तो उस प्लेलिस्ट की यानी उससे संबंधित उस फोल्डर की जो बाकी वीडियोज होंगी वो भी दिखेंगी। साथ ही साथ में बगल में एक और ऑप्शन आएगा स्पेशल वीडियोज का, उस स्पेशल वीडियो कैटेगरी में जो मैं रिकमेंड करूँगा आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो, यानी कि आपको वीडियो को ढूंढने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी।
साथ ही साथ अब यहाँ पर एक व्हाट्सएप शेयर का भी ऑप्शन आ गया है वीडियो कैटेगरी में, तो आप लोग क्लिक करके एक सिंगल शेयर पर एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। लेकिन ये सारे फीचर्स दोस्तों अवेलेबल हैं नए MZT ऐप में। अगर आपने अभी तक MZT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, उसे इंस्टॉल कीजिए, बहुत सारे एडवांस फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं। इस बार दोस्तों कॉइन सिस्टम भी लाया गया है आप लोगों के लिए, तो अब आपसे आपको ईबुक परचेज करने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग कॉइन्स के थ्रू भी ईबुक को परचेज कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना यूनिक रेफरल कोड बताना है अपने फ्रेंड को। अगर आपका फ्रेंड आपका रेफरल कोड इंटर करता है तो उसको 30 कॉइन मिल जाएंगे और आपको 15 कॉइन मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप दोनों लोग का बेनिफिट होगा और आप लोग ईबुक्स परचेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऊपर दी गए कार्ड में वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे ने दोस्तों बताया कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, कई दिनों से ये बीमार भी चल रहे हैं और डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी ये बने रहेंगे प्राइम मिनिस्टर कब तक? जब तक कि इनकी पार्टी के थ्रू कोई नया उम्मीदवार नहीं खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, तब तक ये PM बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों इनका चौथा कार्यकाल ये था। पहली बार ये 2006 में बने थे, 2006 से 2007 तक थे पहली बार प्राइम मिनिस्टर जापान के, फिर 2012 से लेकर के 2014 तक बने, इसके बाद 2014 से लेकर के 2017 तक बने थे, और फिर 2017 से 2021 तक के लिए थे, लेकिन 13 महीनों पहले ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, यानी का कार्यकाल 2021 में कंप्लीट होना था लेकिन 13 महीने पहले ही इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। चलिए जापान आया है, जापान देख लीजिए मैप में, जापान ये रहा मैप में, टोक्यो हो यहाँ की राजधानी, यहीं पर दोस्तों आयोजित होने वाला है 2020 का ओलंपिक खेल। हालांकि 2020 में ही आयोजित होने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू COVID-19, तो 2021 में ये आयोजित होगा, ठीक है, लेकिन 2020 ही कहा जाएगा इसे, इसे भी याद रखना है। मुद्रा है यहाँ की येन और संसद का नाम है डायट। उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है जापान को ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। जापान के पड़ोसी देश की बात करें तो ये है चाइना, ठीक है, चाइना के पास में है इधर जापान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनरुद्धार हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अभी हाल ही में किरण नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य पुनरुद्धार हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर से क्या होगा? इससे दोस्तों COVID-19 महामारी के दौरान जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हो गए हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में सहायता की जाएगी, ठीक है। यह हेल्पलाइन नंबर है 1800 599 00 और 19, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर कॉल करके कोई भी मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में सहायता प्राप्त कर सकता है। 13 लैंग्वेजेस में 25 सेंटर्स के माध्यम से ये ऑपरेट किए जाएंगे, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं और केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं, तो इन्होंने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरी जो हो गए उन सभी के इंडस्ट्रियल एरियाज़ या क्लस्टर्स जो होंगे उनका GIS कैपेबल एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अभी की डाटा की बात की जाए तो दोस्तों इसके तहत 31 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके 3300+ वहाँ पर जो 3300+ इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनकी मैपिंग की जा चुकी है। साधारण भाषा में अगर बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होंगे, एरियाज होंगे, उनका डाटा तैयार किया जाएगा, उनकी भूमि की मैपिंग करके उनका डाटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। भूमि बैंक प्रणाली है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास की घोषणा कर दी, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ब्रायन ब्रदर्स ये टेनिस से संबंधित है और ब्रायन ब्रदर्स के नाम से फेमस हैं माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, दोनों साथ में ही खेलते थे टेनिस डबल्स में। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन यानी ब्रायन ब्रदर्स, इनके नाम दोस्तों कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं।
टेनिस इतिहास की सबसे सफल जोड़ी मानी जाती है। ब्रायन ब्रदर्स ने दोस्तों 26 सीजन में टोटल 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, सभी 9 ATP मास्टर्स जीते हैं, साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी है इनके नाम टेनिस में। ठीक है, तो माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन दोनों ही ब्रायन ब्रदर्स हैं और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो बस दोस्तों, फिलहाल ये तो था हमारे आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप लोग जल्दी से वीडियो को कर दीजिए शेयर। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो वीडियो को एप्लीकेशन में जाकर के देखने की। अगर आप ऐप में जाकर के देखोगे वीडियो तो आपको ऐड वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन शब्द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कितने व्यक्तियों को वर्ष 2020 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आज दिए जाने हैं और इन पर मैंने आपको वीडियो दी है ऑलरेडी। तो आप लोग को बताना है ध्यानचंद पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाना है। अगला, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो काला सागर से सीमा नहीं साझा करता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। वीडियो को आप देख लियो हो तो जाओ जल्दी से MGT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करने के बाद आप लोग रेट भी कर देना ऐप को, अगर आपने अभी तक ऐप की रेटिंग नहीं की है तो। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे और सबसे पहले आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं दोस्तों राहुल कुमार, उज्ज्वल सोनी, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, रेखा बुनकर, अमृत कुमार, साबिर आलम, रविशंकर, ब्रह्मा रावत, तुसीर, गौरी शंकर, MK जोशी, रौनक राज, अमित चौधरी। आप लोग दोस्तों डिटेल में जरूर आंसर किया करो, आप लोगों के आंसर से, आप लोगों के कमेंट से ना जाने कितने लोगों को फ़ायदा होता है। तो आप लोग कमेंट डिटेल में जरूर किया करो, इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो आपके कमेंट्स को रीड करेंगे उनका भी फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।